यहाँ के नेताओं का ध्यान है कि इस रोड पर हमारी डंपर कैसे निकलें। लगातार अवैध उत्खनन को संरक्षण देने का काम, और ये पूरा खेल महंगाव विधानसभा ही नहीं समूचा जिला देख रहा है। आपको मौका मिलता है तो क्या आप अवैध उत्खनन या रेत उत्खनन की तरफ आप नहीं चाहेंगे कि आप ध्यान नहीं देंगे क्या? महंगाव विधानसभा में आ रही है कि मानसिंह कुशवा कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं या दावेदारी कर रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मानसिंह कुशवा जी, अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने एक बड़ी योजना और बताई है कि वो यदि सरकार बनती है तो वो पुनः जाति की जनगणना कराएंगे, आपको लगता है ये संभव हो पाए? निश्चित तौर पर मैं तो ये मानता हूँ कि इस दुनिया और इस धरती में जब पेड़ों की जनगणना होती है, पशुओं की जनगणना होती है, पंछियों की जनगणना होती है, तो इंसानों की जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? कमलनाथ जी 27% आरक्षण लेकर जो आए थे, भाजपा कहती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने ही 27% आरक्षण लागू नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं विघ्न पैदा किया। आपकी जनअदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल, और इस समय आपकी जनअदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत जो आज अपनी मेहनत और अपने संघर्षों से लगातार पहचाने जाते हैं और वर्तमान में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और भिंड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम बात कर रहे हैं मानसिंह कुशवा, आपकी जनअदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। मानसिंह कुशवा जी, जिस तरीके से आपकी चर्चा आती है कि आपने बचपन से ही आपके संघर्षों से आप रहे हैं, कई संगठन मोर्चा में आपने काम किया, तो क्या आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है? निश्चित तौर पर मेरी पारिवारिक कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, घर में कभी कोई पंच सरपंच भी नहीं रहा, लेकिन हमारी सोच जब से मैंने अपना होश संभाला, हमेशा गरीब कमजोर वंचित और अंतिम छोर के जो व्यक्ति हैं उन लोगों को न्याय मिले, समान भाव से जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनकी ताकत बने, उनकी आवाज़ बने, ऐसी हमारी हमेशा सोच पद्धति रही। उसी के कारण हमने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों में हमें काम करने का अवसर मिला। उसके बाद जब हम पहली बार, जब हमारी उम्र जब 23 साल की थी, तो उस टाइम हमने पहला चुनाव जिला पंचायत का लड़ने का काम किया, वो महंगाव विधानसभा से हमारा जिला पंचायत का वार्ड अमाइन था। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने क्षेत्रवासियों का कि जिनके आशीर्वाद के कारण वो मेरी राजनीतिक शुरुआत थी, क्षेत्र का अपूर्ण स्नेह प्यार सम्मान मुझे मिला और मैं जिला पंचायत में अच्छे मतों के साथ चुनाव जीतने का काम, महंगाव विधानसभा में 5 जिला पंचायत के बोर्ड थे, उसमें सर्वाधिक जो लोग उस टाइम जीते थे उनमें सर्वाधिक मतों से हम चुनाव जीते। मैं कृतज्ञ और ऋणी हूँ उस क्षेत्रवासियों का जिन्होंने मुझे राजनीतिक रूप से आज बोलने का और यहाँ तक जो खड़ा हूँ वो मैं अमाइन 84 की और वो भारौली गाँव हमारा निजी है, बाबा हरदास और सब लोगों की कृपा से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। निश्चित तौर पर वो हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है जी। तो कहीं कहीं कांग्रेस ने एक ओबीसी वर्ग से पार्टी का जिलाध्यक्ष आपको बनाया है, तो 5 विधानसभा सीटों में क्या असर रहेगा आपका? निश्चित तौर पर भिंड जिले की 5 विधानसभाओं पर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, इसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं। लोगों के बीच में जब हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान हैं। गाँव के स्कूल में चले जाते तो मास्टर नहीं मिलते, जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलते, छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं के लिए पटवारी तहसील आ रहा है RI के चक्कर लगा कर लोग परेशान हैं, बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। हम सब लोगों ने जनता के मुद्दों को, मैंने लगातार सड़कों पर लड़ने का काम किया, हमारे पार्टी के नेताओं ने, हम सब के नेता गोविंद सिंह जी ने जो वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, जब कई समस्याओं को उन्हें बताने का, जब हमने जिले की समस्या उन्हें अवगत कराने का काम किया, तो निश्चित तौर पर उन्होंने उन सारी समस्याओं को सदन में लड़ने का काम किया। लेकिन आज समय जनता के जो मुद्दे उठाए हैं, आज समय जनता के विश्वास के प्रति का समय आ गया है। मुझे विश्वास है कि भिंड जिले की जनता की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ी, उसके परिणाम हम लोगों को अच्छे मिलेंगे और जिले की 5 विधानसभाओं पर हम लोग प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री के रूप में भिंड जिले की और मध्य प्रदेश की जनता आदरणीय कमलनाथ जी को देख रही है। उनके 15 महीने का जो कार्यकाल रहा, जो वृद्धा पेंशन बढ़ाने का काम किया, जो
विद्युत कनेक्शन जो थे उन्हें अस्थायी रूप से जो बिल में जो कटौती करने का काम किया, कम करने का काम किया, किसानों की जो वो क्या नाम कर्ज माफी करने का काम किया, तो ढेर सारी योजनाएं कमलनाथ जी ने मात्र 14-15 महीने में लोगों के बीच में की, उसे लोग आज भी याद करते हैं। इसलिए सारे जिले में माहौल है और प्रचंड बहुमत से 500 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भाजपा कह रही है कि किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। नहीं, जो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं जो समझता हूँ कि किस स्कूल में पढ़े हैं, मुझे तो जी बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि आप जनता के मुद्दों की बात करते हो, आप प्रदेश की सरकार में इतने लंबे समय से हो कि एक और आपके मंत्री कमल पटेल जी सदन में खड़े होकर जवाब देते हैं कांग्रेस नेताओं को कि हमने कांग्रेस की सरकार जब मध्य प्रदेश में थी उस टाइम 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, और बाहर उन्हीं के नेता चिल्लाने का काम करते हैं कि कहाँ हुआ कहाँ हुआ। तो आप अपने मंत्री से पूछिए ना, सदन में तो कोई झूठ बोलता नहीं है। तो जे तो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि कर्ज माफी हुई है कि नहीं, जे तो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि जो पेंशन में जो वृद्धा पेंशन विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं। तो जे मुझे नहीं लगता है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मुझे जनता का सर्टिफिकेट चाहिए था। वो जनता हमें विश्वास है 2023 के जो नवंबर माह में होने वाले चुनाव में वो जनता हमें कांग्रेस पार्टी को देने का काम करेगी। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने कहा है कि वो 5 पावर हाउस का मोटर का जो कनेक्शन है वो मुफ्त देंगे और बिजली का बिल बकाया भी हम माफ़ कर रहे हैं। किसानों के लिए बहुत सी योजना उन्होंने लागू कर दी हैं, जबकि आपको पता होगा इस समय कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाजपा सरकार जो इस समय जनता पर जो कर्जा है वो लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा है। तो कैसे आपके पास बजट कहाँ से लाओगे आप ये सब करने के लिए? जी बात सही है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लूटने का काम किया, इसलिए मध्य प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर यह योजना हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और प्रदेश के बड़े नेताओं ने बना के रखी है। जो सरकारी जो तंत्र है, जो नेताओं की सुख सुविधाएँ हैं, निश्चित तौर पर उन सब में कटौती करने का काम करेंगे। और जो प्रदेश में मानता हूँ मध्य प्रदेश सुख समृद्धि वाला प्रदेश है, यहाँ व्यापक स्तर पर जो है खनिज संपदाएं हैं, निश्चित तौर पर यदि उन सबका जो भारतीय जनता पार्टी में अवैध उत्खनन के रूप में जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, कांग्रेस की सरकार बनती ही उन सब पर अंकुश लगेगा और निश्चित तौर पर वो पैसा, जनता का जो पैसा है वो सरकार के खजाने में आएगा, जिससे हम जो कमलनाथ जी ने जो घोषणाएँ की हैं उनको पूरा करने का काम आदरणीय कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी करेंगे। भाई शिवराज सिंह चौहान जी भी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, अभी बहनों को 1,000 रुपये दे रहे हैं और भी तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन भी बढ़ाने का काम उन्होंने अभी घोषणा कर दी है और तमाम प्रकार के मठ मंदिर से लेकर निर्माण कार्यों में करोड़ों का बजट उन्होंने स्वीकृत कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या करेगी? देखो, अब उनके पास कुछ बचा नहीं सिवाय घोषणाओं के। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में घोषणा करने का काम करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, प्रदेश में कितनी घोषणाएं अभी अधूरी डली हुई हैं, अभी उनके जवाब नहीं दे पाएंगे। कमलनाथ जी ने वचन लेकर आए हैं और एक रामायण में चौपाई है कि रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यह कमलनाथ जी का वचन है, यह कांग्रेस पार्टी का वचन है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कमलनाथ जी ने जो जो वचन जनता के बीच में देने का काम किया है वो सारे वचन पूरे होंगे। और जे केवल आज केवल शब्दों तक बयां नहीं है, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में है, अगर 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही तो आप जिस जगह सरकार है उस जगह देखें, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आजकल तो सारी दुनिया सब सोशल साइट पर सब पता चल जाता है, राजस्थान नज़दीक लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ अपनी बॉर्डर सीमा से लगा हुआ है, अभी कर्नाटक में सरकार बनी, सब नाते रिश्तेदार एक दूसरे के प्रदेश में रहते फोन लगाकर पूछें कि कांग्रेस पार्टी ने जो वचन दिया था उसको निभाया है कि नहीं निभाया। ओल्ड पेंशन, जो पुरानी कर्मचारियों की पेंशन जो बहाल करने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी, जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो उन सारे प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी ने वो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया। हमने तो कहा है कर्मचारियों से, जब प्रदेश में आएगी कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की मिटेगी टेंशन और बाहर होगी पुरानी पेंशन। मैंने कर्मचारियों से कहा है, वो लगातार मांगें कर रहे हैं, मुझे विश्वास है उनका साथ
उनका प्यार, उनका स्नेह कमलनाथ जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं उनकी वो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में वो सब लोग सहयोग करेंगे। मानसिंह कुशवाहा जी, अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने एक बड़ी योजना और बताई है कि वो यदि सरकार बनती है तो वो पुनः जाति की जनगणना कराएंगे। आपको लगता है ये संभव हो पाए? निश्चित तौर पर मैं तो जी मानता हूँ कि इस दुनिया और इस धरती में जब पेड़ों की जनगणना होती है, पशुओं की जनगणना होती है, पंछियों की जनगणना होती है, तो इंसानों की जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? किस जाति धर्म वर्ग के लोग कहाँ निवास कर रहे हैं, कैसे निवास कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उन सब पर ध्यान आकर्षण और विचार होना चाहिए। मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी जो वचन देती है उसको पूरा करने का काम करती है। जिस प्रदेश में जिस वर्ग की आबादी 50% से अधिक हो और उस आबादी का मूल्यांकन ही नहीं किया जाए, तो निश्चित तौर पर जो तो मैं मानता हूँ यह कमलनाथ जी की स्वागत योग्य पहल है। समूचा पिछड़ा वर्ग इससे निश्चित तौर पर अस्तोहित होगा, खुशी जाहिर करेगा। और मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों से आह्वान भी करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। निश्चित तौर पर जो कमलनाथ जी ने कहा है कि जातिगत जनगणना जब होगी तो सबके साथ समानता का न्याय मिलने का काम तभी होगा। जब लोगों की गिनती नहीं होगी तो न्याय कहाँ से मिलेगा? न्याय तो तभी संभव है, समानता का भाव तभी संभव है जब लोगों को आंकड़ा पता होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैं तो कमलनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यह बात अपने वचन पत्र में सम्मिलित करने का काम किया। और मैं पिछड़े वर्ग से आह्वान करूंगा कि वो सारे लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग प्रदान करें। कमलनाथ जी 27% आरक्षण लेकर जो आए थे, भाजपा कहती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने ही 27% आरक्षण लागू नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं विघ्न पैदा किया। नहीं, जे तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय चोचले और झूठे वादों के अब कुछ बचा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी, आप प्रदेश में लगातार इतने लंबे समय तक ओबीसी का चेहरा बनकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आपने कभी अपने मन में क्यों नहीं विचार लाया कि जिस वर्ग की इतनी बड़ी आबादी है उसको 27% आरक्षण मिलना चाहिए? आपके मन में तो 1% भी इस बात को लेकर कभी सोच नहीं आई। कमलनाथ जी चाहते हैं कि प्रदेश के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के साथ न्याय हो, इसलिए कमलनाथ जी ने जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह रास नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं और इसलिए उन्होंने आज दिन तक जो सरकार, एक्सीडेंटल सरकार जो बनाई, उसमें उन्होंने चाहते तो जो कोर्ट में जो प्रकरण हिलगा है उसको साक्ष्य प्रमाण यदि कोर्ट में सही समय पर प्रस्तुत कर देते तो निश्चित तौर पर वो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग को मिलने का काम होता। लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस मसले को उलझा कर रखा है और यह मध्य प्रदेश के समूचा पिछड़ा वर्ग देख रहा है और इसका जवाब आने वाले समय में अभी जो चुनाव इलेक्शन होंगे उसमें देने का काम करेगा। तो यदि आपकी सरकार बनती है तो कोर्ट में जो मामला है वो सुलझ जाएगा, 27% आरक्षण लागू हो जाएगा? निश्चित तौर पर अच्छे से उच्चतम वकील जो सरकार अपने निजी खर्चे पर वहाँ कोर्ट में पैरवी करने के लिए लगाएगी और निश्चित तौर पर जो लंबे समय से विचाराधीन चला आ रहा है उसको निराकरण कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, अभी हाल ही में ऐसी चर्चा महंगाव विधानसभा में आ रही है कि मानसिंह कुशवाहा कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं या दावेदारी कर रहे हैं, इसमें कहां तक सच्चाई है? निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता की उम्मीद होती है, पार्टी के में जो लोग काम करते हैं उनकी सबकी कहीं ना कहीं इच्छाएँ होती हैं। यहाँ के मेरी राजनीतिक शुरुआत इसी विधानसभा से हुई, मुझे जिला पंचायत बनाने का अवसर इसी विधानसभा के लोगों ने दिया, तो ये बात में कोई दो मत नहीं है कि मैं यहाँ से जनता के जिला पंचायत के रूप में यहाँ की जनता ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। यदि पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, यदि पार्टी कहेगी कि आप विधानसभा चुनाव लड़ना है तो मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ, पार्टी के निर्देशों का पालन करूँगा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास यही है कि महंगाव विधानसभा तो हम लोग जीते ही जीते हैं,
साथ में पांचों विधानसभाओं पर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, इसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास और प्रयत्न रतन है। और इसमें केवल हम ही नहीं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंडलम सेक्टर बीएलए जिले कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस जो जिले कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग इस बार पूर्ण मुस्तैदी के साथ दृढ़ संकल्पित हैं कि भिंड जिले की पांचों विधानसभाओं पर कांग्रेस का झंडा गाड़ेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेहंगाव विधानसभा की आप चर्चा कर रहे हैं, तो किन मुद्दों पर आपने टिकट की मांग की है, क्या लगा आपको मेहंगाव में? नहीं, निश्चित तौर पर मैंने आपसे कहा है कि आज यहाँ मेहंगाव के लोग जिस प्रकार से मूलभूत समस्याओं के लिए परेशान हैं, और अकेला महंगाई नहीं समूचे ज़िले की जो स्थिति है, यहाँ मंत्री होने के बावजूद भी लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। गांव में चले जाओ, रोड़े नहीं हैं कई गांव में, पानी की सुविधाएं नहीं हैं कई गांव में, तहसील बनाने का जो घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कर दी थी, मंत्री जी ने भी कर दी थी, लेकिन आज दिन तक उस तहसील का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया अमाइन में। कई ऐसे ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अभी किसी भी विभाग में आप चले जाओ महंगाव के में, बगैर पैसे के कोई काम ही नहीं होना चाहता। पटवारी को रिश्वत चाहिए, आरआई को रिश्वत चाहिए, बड़े जो राजस्व के जो अधिकारी कर्मचारी उनको रिश्वत चाहिए, थाने में चले जाओ तो पैसा चाहिए, तो जनता कैसे अपना जीवन यापन कर पाएगी? इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान गरीब घर के घर में कैसे खुशहाली आए, किसान के घर में कैसे खुशहाली आए, मजदूर के घर में कैसे खुशहाली आए, अंतिम छोर के व्यक्ति के घर में कैसे खुशहाली आए, इस ओर कभी उनका ध्यान नहीं गया। यहाँ के नेताओं का ध्यान है कि इस रोड पर हमारे डंपर कैसे निकलें, इस खदान में हमारी हिस्सेदारी कैसे बढ़े, लगातार अवैध उत्खनन को संरक्षण देने का काम, ओवरलोड वाहनों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कर रहे हैं। और ये पूरा खेल महंगाव विधानसभा ही नहीं समूचा जिला देख रहा है, और इसका जवाब अब वो दिन भी दूर नहीं है, इसका जवाब भी यहाँ महंगाव विधानसभा और यहाँ के लोग इन्हें देने का काम करेंगे। मानसिंह कुशवाहा जी, जिस तरीके से आपने जो आरोप लगाया है कि अवैध उत्खनन को लेकर के यहाँ के जननेता और जनप्रतिनिधि शामिल रहते हैं, आपको मौका मिलता है तो क्या आप अवैध उत्खनन या रेत उत्खनन की तरफ आप नहीं चाहेंगे कि आप ध्यान नहीं देंगे क्या? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, जो आज हर घर की जरूरत है। जब तक क्षेत्र शिक्षित नहीं होगा तब तक क्षेत्र विकसित नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे अग्रसर हों, कैसे बढ़ें, उस ओर ध्यान, जब तक शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक क्षेत्र विकसित नहीं हो सकता। जहां जिस क्षेत्र को हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर क्षेत्र कृषि पर आधारित है, किसान कैसे समृद्ध हो, किसान के घर में कैसे खुशहाली आए, इस ओर जनप्रतिनिधियों को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जब महंगाओं में लोगों ने देखा है, जब किसान खाद की बोरियों के लिए लाइन लगा रहे थे तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आंखें बंद करके अपने कमरों में बंद थे और यहाँ का जिला पुलिस प्रशासन उनकी पीठों पर लठ बजाने का काम कर रहा था। यह खेल महंगाओं के लोगों ने देखा है, जब छोटे छोटे ननिहाल बच्चे स्कूल में जाते हैं और सारा दिन कटोरा बजाते हैं और शिक्षक स्कूल में नहीं आते हैं, जो खेल देख रहे हैं यहाँ के लोग। आप जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, आप वहाँ चले जाओ, डॉक्टर ही नहीं है, दवाई ही नहीं है, और करोड़ों के भुगतान हो रहे हैं, फर्जी बिल बनाकर करोड़ों के भुगतान हो रहे हैं, सब मिली भगत चल रही है। जिस सारा खेल अब यहाँ क्षेत्र की जनता देख रही है, लोग जिस तरीके से आपने कहा है, कहीं ना कहीं महिला बाल विकास में भी एक बड़ा घोटाला हुआ है भिंड में कोरोना काल में, और वो अधिकारी जो है वो सबकी नज़र में, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है, हमने कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके भ्रष्टाचार की कलई खोलने का काम किया, लेकिन होता क्या है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है बड़ा अधिकारी, गाज गिरती है छोटे कर्मचारी पर। तो बड़ा पुलिंदा इन लोगों को भ्रष्टाचार का बन चुका है, हम लोगों ने भी जिद तय किया है, और जिस भिंड जिले में तो हमने खासकर हमने सूची बनाने का काम किया है
और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह सबको सूची सौंपेंगे चुनाव से पहले कि जो नेता, जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का की पिट्ठू बनकर काम कर रहे हैं, जो जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर जो हिस्सा बंदरवाट करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सारे अधिकारियों को चिन्हांकित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब मध्य प्रदेश में यही जनता की, गरीब जनता की, कमज़ोर तबके की, किसान की, मजदूर की, जब इन लोगों की सरकार बनेगी तो जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम जो आम जनता, किसान, मजदूर को जिन लोगों द्वारा किया गया है, निश्चित तौर पर उन सबका हिसाब लेने का काम मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी करेगी। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत।